यजमान इस लोटे को आप वहाँ रख दीजिए। यहाँ दादाजी लीजिए। यहाँ? नहीं नहीं, यहाँ तो पत्ते रखे जाएंगे। अच्छा, तो कहाँ? यहाँ रख दूँ? यहाँ तो लकड़ियाँ रखी जाएंगी, वहाँ रख दीजिए। अच्छा यहाँ। और आप इसको वहाँ रख दीजिए, आप इसको वहाँ रख दीजिए, यहाँ, और इसे आप ही रख दीजिए। जो गौमूत्र और अगरबत्ती कहाँ है? विवान लेकर आता ही होगा। करुणा जी, आप मेरी नकल क्यों उतार रही हैं? क्या करूं पंडित जी, इतनी देर से आपकी वाणी सुन सुनकर मेरी भी बोली आपकी जैसी हो गई है। हाँ, आ गया विवान। सारा सामान ले आए हो ना विवान? जो तेल, अगरबत्ती और पान। हाँ हाँ। माँ, सॉरी सॉरी पंडित जी, वो क्या है ना, माँ ने आपका सुर पकड़ लिया और मैंने माँ का सॉरी। अच्छा वैसी आपने जो भी सामान मंगवाया था मैं ले आया, ले लीजिए। देवू भैया, आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। गुड। और हाँ विवान, मैंने प्रिंसिपल अगाड़ी रे और मिस प्रिगेंजा को भी इनवाइट कर लिया है क्वारंटाइन सेंटर के सब लोगों के साथ हवन के लिए। ग्रेट। लेकिन भैया, क्या आपको लगता है कि कल रात के पार्टी के इंसिडेंट के बाद वो लोग आज पूजा में आएंगे? वन, अब अगर मैं डीन मलिश्का की पार्टी में होता तो मैं ऑफ कोर्स इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि देबू और विवान मुझ पर शक करें। यानी डबल ब्लफ है? लेकिन विवान, हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग डबल ब्लफ कर रहे हैं या नहीं? वो लोग सच में डीन मलिश्का के साथी थे या नहीं? फिकर नॉट भैया, उसके लिए मेरे पास है ये बॉक्स। मैजिक बॉक्स? इसमें क्या है? भैया, आज हमें पता चलेगा कि प्रिंसिपल अघाड़ी रे और मिस ब्रिगेंजा धरती के नॉर्मल लोग हैं या फिर शिंकाई के धोखेबाज। स्वामी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, हम यहाँ पे क्यों आए? विवान के दिमाग से इस डाउट को आउट करने है कि कल रात को पार्टी में जो कुछ हुआ उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। राइट मिस्टर विवान? बिल्कुल सही। हमारे यहाँ आने से इनके मन में छुपी शक की छोटी सी चिंगारी भी बुझ जाएगी। लेकिन स्वामी, किसी की नजर रे के हाथ पर चली गई तो? रिलैक्स मिस ब्रिगेंसा, इतनी भीड़ में किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा। है? अरे ये चलो विवान, हमारे मेहमान आ चुके हैं, अब तुम्हारे मैजिक बॉक्स से इनकी सच्चाई पता लगाई जाए। भैया, मैजिक बॉक्स के पहले इनसे थोड़ी बातचीत कर लीजिए। अगर ये सचमुच में डीन मलिश्का के साथी होंगे तो इनकी जुबान जरूर लड़खड़ाएगी। भैया, कुछ पता चला? अरे कैसे पता लगा विवान, मैं उस रे से कुछ पूछना तो चाहता हूँ, लेकिन वो अनन्या रे से चिपकी हुई है जैसे शहद से मधुमक्खियाँ चिपकी हुई होती है। लेकिन विवान, तुम्हें कुछ पता चला? भैया कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन भैया अब मुझे लगता है कि इस मैजिक बॉक्स का इस्तेमाल करने का समय आ चुका है। मैजिक बॉक्स? पूजा होने के बाद हम अपने सस्पेक्ट्स के हाथों में ये मौले पहना देंगे। लेकिन विवान, पूजा होने के बाद तो हर किसी के हाथ में मौले बांधी जाएगी, इसमें स्पेशल क्या है? भैया, ये वीर लोक की स्पेशल मैजिकल मौले है, जैसे हमें पता चलेगा कि वो लोग धरती के नॉर्मल लोग हैं या फिर शिंकाई से आए हैं।
गोली नहीं है, ये तो फांसी का पत्ता है जो हमारे कलाई पे बनने वाला है। स्वामी अब क्या करेंगे? स्वामी सब लोग आ जाइए, पूजा का मुहूर्त हो गया है, आ जाइए आ जाइए। प्रिंसिपल सर आप भी आइए ना। स्वामी स्वामी रुकिए, आज अगर हम पूजा में बैठेंगे तो यहाँ से हमारी आरती उठ जाएगी। क्या बकवास कर रहे हो ब्रिगेंजा? बकवास नहीं कर रहा हूँ स्वामी। विवान जो हमारे हाथों में मोली का धागा बांधने वाला है पूजा के बाद, उससे हमारी पहचान खुल जाएगी। अब मिस्टर बी, आई गेस हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेट्स लीव। चलिए चलिए। मतलब सर आपने पूजा की तैयारियों में इतनी हेल्प करवाई हमें और हवन में आहुति दिए बिना ही चले जाएंगे? वो एक्चुअली मुझे कॉलेज से एक कॉल आया था, बहुत इम्पोर्टेंट काम है इसलिए जाना पड़ेगा। लेकिन प्रिंसिपल सर भगवान के सामने पूजा में बैठना भी तो एक इम्पोर्टेंट काम ही है ना। हाँ और वैसे भी पूजा 30 मिनट में तो खत्म हो जाएंगी, फिर आप लोग चले जाइएगा। ओके ओके प्रिंसिपल अगाड़ी, आई गेस हमें कुछ देर और रुक जाना चाहिए। ओके हाँ अब आइए आइए आइए। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जब तक पूजा संपन्न नहीं हो जाती कोई इस थाली को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि मंदिर से इन मौलियों को मंत्रोच्चारण करके सिद्ध करके लाया हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.